क्रोध, गुस्सा, एंगर, क्या है ये चीज़ें? ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर घोल सकती है। क्रोध सबसे पहले आपके अंदर जहर घोलता है, फिर आपकी ज़िंदगी में जहर भरता है। कभी सोच कर देखना, क्रोध करने के बाद आपको कभी खुशी मिली, सुख मिला? क्या आप किसी पर्सन को अलाउ करेंगे कि वो आकर आप पर गुस्सा करे, आपको जो चाहे बोल दे, जैसे चाहे बोल दे? कोई भी व्यक्ति किसी का भी गुस्सा पसंद नहीं कर सकता, तो कोई हमारे क्रोध को स्वीकार क्यों करेगा? एक बार एक व्यक्ति एक बाबा के पास गया और उनसे बोला, बाबा जी मैं क्रोध बहुत करता हूँ और उस क्रोध की वजह से ग्लानि और पश्चाताप रहता है। मैं लोगों से नज़रें नहीं मिला पाता, ऐसे ऐसे शब्द मैं क्रोध में कह जाता हूँ जिन्हें बाद में लौटाया नहीं जा सकता। आप एक बात याद रखना, जो शब्द, जो वर्ड्स आप गुस्से में बोल जाते हैं, उनकी आपको लोगों से माफ़ी तो मिल जाएगी, मगर लोग कभी उन बातों को भूलेंगे नहीं। इसलिए याद रखना, जो शब्द आप गुस्से में बोलोगे, उसका सामना आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। तो उसने उन बाबा जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कोशिश बहुत करता हूँ पर गुस्से की आदत छूटती ही नहीं। बाबा जी ने कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तब एक बात याद रखना, गुस्सा मैं करूँगा मगर आज नहीं, कल। बस इतना संयम मन में रखना कि गुस्से में करूँगा मगर आज नहीं, कल। फिर उसने कहा कि बाबा जी इससे क्या होगा, कल भी तो मैं गुस्सा करूँगा ही ना। बाबा जी ने कहा, तुम ये करके तो देखो। वो फिर घर गया, उसे किसी बात पर गुस्सा आया, मगर उसे बाबा जी की बात याद आई, गुस्सा तो मैं करूँगा मगर कल, कल तो बहुत दूर की बात है। उसका गुस्सा थोड़ी देर बाद ही शांत हो गया। गुस्सा एक धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है, जो कुछ देर एक ही जगह ठहर के फिर आगे चला जाता है। बस वो थोड़ी देर हमें संयम साधना है, बस वो थोड़ी देर हमको कंट्रोल करना है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें हम पहले भी जलते हैं, क्रोध करते टाइम भी जलते हैं और बाद में भी जलते हैं। वही बातें आपके मन में चलती रहती हैं, फिर उन बातों से खुद का भी दिल दुखाएंगे, अपने परिवार वालों का भी दुखाएंगे, खुद की नज़रों में भी गिर जाएंगे और सबकी नज़रों में भी गिर जाएंगे। तो छोड़िए इस बीमारी को, जब भी गुस्सा आए ना, तो याद रखना ये बात, गुस्सा करेंगे पर आज नहीं, कल। बस वो थोड़ी देर का कंट्रोल आपके मन से उस क्रोध की अग्नि को शांत कर देगा। थोड़ा तो संयम रखना सीखिए, थोड़ा तो अपनी लाइफ को संवारना सीखिए।